हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। ये पेपर हमारा है 2020-22 सेशन का, बीएड फर्स्ट ईयर का, जिन्होंने 21 में पेपर दिया है। कोर्स नेम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, कोर्स 6, रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, सभी क्वेश्चन के मान बराबर है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन, आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और जो मार्क्स है वो 40 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ दे रही हूँ। जो कोर्स नेम है वो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, कोर्स 6। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन जेंडर बायस, डिस्कस द मेजर्स टेकन फॉर द रिमूवल ऑफ जेंडर बायसनेस विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिंग पक्षपात को परिभाषित कीजिए भारतीय संविधान, लिंग पक्षपात को परिभाषित कीजिए भारतीय संविधान में के संदर्भ में लैंगिक पक्षपात को दूर करने के लिए उपायों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन, हाउ मास मीडिया प्रमोट्स जेंडर रोल्स इन सोसाइटी। समाज और शिक्षा में क्या संबंध है? जनसंचार माध्यम समाज में लैंगिक भूमिकाओं को किस प्रकार बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉजिटिव नोशंस ऑफ सेक्सुअलिटी थ्रू करिकुलम एंड करिकुलम ट्रांजेक्शन। पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम ट्रांजेक्शन के माध्यम से लैंगिकता की सकारात्मक धारणाओं के निर्माण में शिक्षकों की क्या भूमिका है, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट रोल अ स्कूल कैन प्ले इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। विद्यार्थियों को यौन शोषण पहचान कराने में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन चैलेंजिंग जेंडर इन इक्वेलिटीज। कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को और इसको हिंदी में भी पढ़ देती हूँ मैं। लैंगिक असमानताओं को चुनौती देने में परिवार और समुदाय की भूमिका का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इन डिटेल द इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर बायसनेस इन टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम। पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में लैंगिक पक्षपात के संकेतकों की व्याख्या करनी है। ठीक है, ये कोर्स 6 है, आप इसको देख लीजिएगा, 40 मार्क्स का है और आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और इन 4 क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है। तो एक क्वेश्चन का 10 नंबर है, आप 10 नंबर के हिसाब से अपना कंटेंट लिख सकते हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, इस क्वेश्चन के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी प्लेलिस्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा लर्न विद कॉन्सेप्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।